शाम को जब कॉल आई, मैं भरी मार्केट के बीच में था और मैं जोर से चिल्लाया, मैं कुछ नहीं सोचा आसपास कौन है कौन नहीं. ड्रीम्स डू कम ट्रू इफ यू रियली बिलीव इन इट. जब मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं थी और जैसे ही कैमरा ऑन हुआ और वो बोल रहा है आगे से राइट, तेरे को बाहर कर दूंगा. उन्नति के साथ मेरी डेट बहुत स्पेशल थी, मतलब वो एक उस टाइम मुझे कोई डिफरेंट दिग्विजय देखने को मिला. तो दिग्विजय दिल से खेलेगा, दिग्विजय जैसा है वैसा रहेगा, सिंपल एज दैट. वो रियल दोस्त होते हैं यार, जो जब तुम कुछ नहीं हो तब से तुम्हारे दोस्त हैं, सपोर्ट करते आ रहे हैं, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं. बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहा था कि मैं अब क्या ही कर सकता हूँ, मतलब चैलेंज परफॉर्म किया होता, मैंने कुछ गलती किया होता, मैं हार जाता, ठीक है ले लेता भाई दिग्विजय तुझसे गलती हुई. तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है अर्थेश कुमार और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पर. तो आज मेरे साथ स्प्लिट विला के वो शख्स हैं जिन्होंने स्प्लिट विला की सारी बाजी जीती हैं पर वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन जनता का दिल उन सब का सब जनता का दिल उनके पास ही है. सचिन और लक्ष्य जिनके थे साथी स्प्लिट विला में, जिनकी बातों से सबकी दुनिया हिल जाती है, काम और तेज़ है दिमाग इनका. जी हाँ, दिग्विजय सिंह राठी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन सर, कैसे लग रहा है, कैसी फीलिंग्स है, स्प्लिट विला फाइनली खत्म हो गया है. अगर मैं आपसे पूछूं कि स्प्लिट विला रोडी सब करने के बाद आज वो एक दिन आप याद करते हो जहाँ पे आप एक कॉमन इंसान की तरह स्ट्रगल करते थे, तो वो आप जब दिन याद करते हो और आज का दिन याद करते हो तो क्या कुछ आपको याद आता है? मुझे डेफिनेटली दो तीन दिन बड़े याद आते हैं. एक तो पहले मैंने चंडीगढ़ में ऑफलाइन ऑडिशन दिया लाइनों में प्रॉपर लग के रोडीज की, एंड नहीं हुआ मेरा चंडीगढ़ में, मैं गया दिल्ली, वहाँ भी नहीं हुआ, एंड फिर इंदौर की लाइनों में फिर खड़ा हुआ था. फिर मेरा GD1 क्लियर हुआ, मैंने GD2 दिया, एंड फिर रात को मेरे को अभी याद है मैं मार्केट में था और मेरे को कॉल आई जब PII के लिए. मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा अलग ही जोन में था कि मुझे करना था, अब GD2 हो गया लेकिन PII की कॉल नहीं आई है. बट शाम को जब कॉल आई, मैं भरी मार्केट के बीच में था और मैं ज़ोर से चिल्लाया, मैं कुछ नहीं सोचा आसपास कौन है कौन नहीं. तो वो एक दिन बहुत क्रेजी था, एंड मतलब एक चीज़ सही में मैंने खुद एक्सपीरियंस कर ली है कि ड्रीम्स डू कम ट्रू इफ़ यू रियली बिलीव इन इट, कि आप कर लोगे और आपकी इंटेंशन पे और आप प्रॉपर उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको वो ड्रीम अचीव करने में. थोड़ा टाइम लग सकता है बट हो जाता है. मैं आपसे बात करूँ कि आपकी जो ड्रीम रहा है स्टार्टिंग से, रोडीज जीतना, स्प्लिट विला जीतना, फिर एक अच्छे मुकाम तक हासिल करना, बिल्कुल ये स्टार्टिंग से रहा था या फिर जो पहला दिग्विजय था उसके कुछ अलग एम्बिशंस थे, फिर धीरे धीरे दिग्विजय ने ये सारी चीज़ें हासिल करने के मन से आया? नहीं, एक मेरे को लगता है एक इंडियन लड़के का ना हर एक का एक सपना होता है बचपन में ही क्रिकेटर बनना है. तो वो एक सपना था, वो नहीं हुआ. तो उसके बाद मैं रोडीज स्प्लिट विला वगैरह बहुत देखता था, एंड मेरे को लगता था कि भाई अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो मैं ऐसे करूँगा, मतलब ये जो चीज़ें कर रहे हैं ये नहीं, मैं ऐसे करूँगा, मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, ये सही चीज़ है, या ऐसे चैलेंज परफॉर्म करूँगा. तो बचपन से चीज़ इनबिल्ट ही थी, एंड वही वो एक बिलीव था कि अगर मैं गया तो मैं बढ़िया करूँगा यार, मतलब एक वो चीज़ थी. और फिर मन में था कि जाना ही जाना है, बट वहाँ उस टाइम मुझे कोई वे नहीं मिल रहा था. मतलब मैंने सब छान मारा कि भाई होता क्या ऑडिशन में, क्या नहीं होता है, सारी यूट्यूब पे वीडियोस देख डाली, सबके इंटरव्यूज़ वगैरह सुन लिए, जो रणविजय भाई, प्रिंस भाई, जो भी रहे हैं सीनियर्स. बट एक चीज़ मैंने अब रियलाइज़ करी दो शो करने के बाद कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं दे रखी कि कैसे इन शोज़ में जाए. अब एक्टिंग के ऑडिशन होता है उसमें आपको पता है कि आप एक्ट करके यहाँ पे ऐसे करोगे तो हो सकता है आपकी स्किल्स अच्छी हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है. बट रोडीज और स्प्लिट विला के ऑडिशन का कुछ क्राइटेरिया नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो मैंने लोगों को देने की कोशिश किया. अभी मैंने एक कोर्स बनाया नया, एंड उससे आई बिलीव कि बहुत से लोगों की हेल्प होगी जिनका ये ड्रीम है, क्योंकि मैंने वो देखा है कि भाई मुझे नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ से क्या होगा क्या नहीं. मुझे बस ऑनलाइन रिसर्च करके ये पता चला कि भाई यहाँ पे ऑडिशन होते हैं, इस टाइम पे लाइन में लगना होता है, फॉर्म भरना होता है, GD1 होता है, GD2 होता है, ये क्रैक करके हो जाता है. बट कोई प्रॉपरली किसी ने बात नहीं करी हुई कि कैसे सही में होगा. तो मैंने लोगों के लिए एक कोर्स बनाया है, आप लोग वो देख सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, एंड वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ये मेरा एक साल से सपना था कि मैं ये बनाऊंगा, एंड आज मैंने वो एग्जीक्यूट कर लिया है 3-4 दिन पहले, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, एंड दे आर लविंग इट. बात करो आपके पहले ड्रीम के क्रिकेटर बनने वाली की, 13 अप्रैल 2019 की वो रात थी, RCB और पंजाब का मैच था, जब आप बीच में कूद के आपने फाइनली उस इंसान से मिले जिसको आप आइडियल मानते हो अपने सालों से, तो वो कैसी फीलिंग थी, कैसा लग रहा था उस टाइम पे जब आप उनके गले में, मतलब गले में ले रहे उनसे, तो उस टाइम क्या फील हो रहा था? वो वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स रहेगी मेरी लाइफ की. वो हो गया, फिर PII के लिए सिलेक्शन हो गया, फिर कुछ कुछ जर्नी की चीजें हो गई. वो मोमेंट बहुत स्पेशल था. मतलब जब मैं गया पास, एक तो मैं बहुत तेज भाग रहा था, तो विराट भाई ने बोला आराम से एंड कि भाई इतनी तेज भाग क्या रहे, कहीं तू मुझे ही गिरा दे, मैं तो एक बार गिर के उठ जाऊंगा लेकिन तेरे बाहर भूत बनाएंगे, तू आराम से आ. तो समझाया, फिर हैंड शेक किया, हक किया, एंड
उस टाइम मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में था उस टाइम, वो मोमेंट बिल्कुल ही अलग फील हो रहा था एंड मज़ा तो आ गया था. लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा मत करना गाइस ऐसा. अब एक प्रॉपर लॉ वगैरह बन गया है, खाम खां प्रॉपर जेल वेल हो जाएगी और आपके घर वाले तंग होंगे, तो ऐसा करने की मत सोचना, बड़े इंसान बनो फिर मिलना. अगर रोडीज़ की बात करो, आपके वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो जब रोडीज़ में गए थे तो कहीं ना कहीं आपके मन में था कि आप प्रिंस सर के गैंग में जाओ, ये मन में था. बट फिर आप गौतम सर के गैंग में चले गए, तो आपकी इस बात का रिग्रेट हुआ कि कहीं ना कहीं गौतम सर ने आपको ज़्यादा बोलने नहीं दिया इसकी वजह से, या फिर आप उनके जो गैंग मेंबर्स थे उनकी वजह से आपको रोडीज़ का सपना टूट गया? नहीं, इस बात का दुख ज़रूर था, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं सबसे पहले गौतम भाई ने मेरा PI में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया था और उन्होंने ही पहले ग्रीन किया था. तो प्रिंस भाई की अगर मैं गैंग में जाता, मतलब लॉजिकली सोचे, मैं दिमाग से भी सोच रहा था उस टाइम में, तो मैं शायद जर्नी पे ही ना होता, क्योंकि मुझे आइडिया लग गया था कि 14-15 लोग हो चुके हैं और उसमें से 10 ही जर्नी पे जाएंगे. वहीं गौतम भाई से मैंने वर्ड ले लिया था कि भाई जर्नी पे लेके जाओ तो बताओ, सबसे पहला सपना है रोडी बनना, गैंग वाली चीज़ बाद में आएगी. हाँ, तो हाँ कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि गौतम भाई का मैं थ्रू आउट स्टैंड ले रहा था सिंगल हैंडेडली, बट वो ये चीज़ शायद देख नहीं पाए और कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ रहेगी. बट PI में तो उन्होंने ही सिलेक्ट किया था, वरना तो शायद यहाँ भी ना होता जो, और इतना अच्छा मेरा रोडीज और स्प्लिट्स ना निकला होता. जब वहाँ से आप निकले, वहाँ पे कहीं ना कहीं सारी पॉलिटिक्स हुई, क्योंकि आप वहाँ बहुत खुल के खेल रहे थे, इसके वजह से शिवित या फिर उन्होंने पॉलिटिक्स करके आप कहीं ना कहीं आपको उसकी जर्नी को ख़त्म कर दिया, आपके सपने को तोड़ा. फिर जब स्प्लिट्स ना वापस से आपने जब शिवित को पहली बार देखा एग्जाइल से आके, सब तब क्या फीलिंग थी उसको देख के? ऊपर से फिर देन वो उसने चार्ज भी किया आपके ऊपर, उसके बाद तो क्या हुआ पता है हम लोगों को, वो सर वाली चीज़ थी. नहीं, उस टाइम ना मुझे वो पहला दिन याद आ रहा था रोडीज़ का, जब मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं थी और जैसे ही कैमरा ऑन हुआ और वो बोल रहा है आगे से राइट, तेरे को बाहर कर दूंगा मैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उस दिन रोडीज़ में भी मुझे समझ नहीं आता कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं. बट मैं थोड़ा सा टाइम लगा समझने कि भाई ये कैमराज वगैरह ऑन है, ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं फुल तुझे. एंड वो दिन मुझे बड़ा याद आया, एंड वो फिर उसका सारा घमंड मुझे याद आया जो सोशल मीडिया पर चला था कि भाई उसने मुझे बाहर कर दिया है. तो वो वाली बातें थी कि भाई अब ये दोबारा एक बढ़िया गेम शो में आ गए हैं, अब हम दिखाएंगे कि हम क्या चीज़ है. अगर स्विट्सविला के जर्नी की बात करूँ, आपका सबसे बेस्ट पार्ट क्या था स्विट्सविला में और सबसे वाहियात पार्ट क्या था, आपको लगा यार ये क्या, ये तो मैं जिंदगी से अपनी डिलीट ही कर दूंगा जाके शो के बाद? अरे जब मैंने गाना गाया था ना वो तो चैलेंज था, इसलिए मैंने गा दिया, वरना मैं गाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है. बट वो तो करना पड़ा वहाँ पे, तो वो पार्ट में जाऊँगी डिलीट कर दूंगा स्विट्सविला से. एंड स्पेशल मोमेंट्स यार बहुत सारी रही हैं. उन्नति के साथ मेरी डेट बहुत स्पेशल थी, मतलब वो एक उस टाइम मुझे कुछ डिफरेंट मुझे देखने को मिला, खुद ही मैं TV पे देख के सबसे ज़्यादा बार मैंने वही चीज़ देखी है. मतलब फिनाले में मैं देख नहीं पाया हूँ ढंग से, एक बारी मैंने देखा थोड़ा सा और बस हो गया फिर. एंड हाँ, वो काफ़ी स्पेशल मोमेंट थी डेफिनेटली. दोस्ती में बिलीव करते हो कहीं ना कहीं कशिश ने आपको, तो वो वाली बात पे तो मैं बाद में आऊँगा, पहले दोस्ती पे कितना बिलीव करते हो आप? बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा. मतलब मेरे आज भी, अभी भी जब मैंने फिनाले देखा तो मैं उन दोस्तों के साथ देखा जो पहले से मेरे साथ थे, क्योंकि वो रियल दोस्त होते हैं यार, जो जब तुम कुछ नहीं हो तब से तुम्हारे दोस्त हैं, सपोर्ट करते आ रहे हैं, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं. अब जब आप थोड़े बहुत लोग जानने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि थोड़ी मतलबी की दोस्तियाँ मुझे दिख रही हैं. अब वो मैं बोलता नहीं हूँ, बट जो पहले से मेरे दोस्त थे वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, एंड उन्हीं के साथ मैंने वो फिनाले देखा, एंड वो मतलब जी जान वाले मेरे दोस्त हैं. अभी भी उन्हें फ़ोन करके कह दूंगा ना कि ऐसी ऐसी चीज़ हो गई मुंबई में भाई, प्रॉब्लम होगी, तो अभी फट प्लेन लेके आ जाएंगे, एक बार सोचेंगे भी नहीं. दोस्ती तो बहुत ही एक प्यारा बॉन्ड होता है, और दोस्ती से ऊपर मेरे को लगता है हम भाई हैं हम सारे ना, जो हम दोस्त हैं. और वो भाइयों के साथ बैठने में जो मज़ा आता है ना, वो किसी के साथ नहीं आता, वो एनर्जी मैच ही नहीं हो सकती कैसे भी. तो अगर आप लोग भाई कोई अच्छे भाई दोस्त हैं तो उनके साथ रहना जिंदगी भर, क्योंकि वैसा मजा नहीं आएगा कहीं और. दोस्ती के बाद कह रही थी तो प्यार या दोस्ती क्या चुनोगे आप? क्योंकि उन्नति भी वीडियो देखने वाली है. उन्नति को जो आप पता है. आप दिग्विजय क्या चूज करेगा? यार ये टफ स्पॉट है यार, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है यार, ऐसा कुछ नहीं है. एक तो बोलना पड़ेगा. मैं अपने भाइयों को चूज करूंगा, भाई को नहीं, भाइयों को, जो सारे भाई हैं. बट ऐसा नहीं है कि उससे जो प्यार अगर किसी से है तो वो कम हो जाएगा, वो भी डेफिनेटली एक मैं बैलेंस करके रखना चाहता हूँ लाइफ में ना चीज़ें, कि ये सिर्फ नहीं कि भाई भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है लाइफ में. आपके दोस्त, आपके भाई, आपका प्यार अगर कोई है, और फिर डेफिनेटली
जो चाहने वाले हैं मेरे, मेरे को लगता है सारी चीज़ें लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अगर स्विट्स मिला की बात करें तो पहला कोर्ट रूम सेशन हुआ था जहाँ पे आप अकेले थे जिसने सचिन का स्टैंड लिया था, लेकिन शिवित वहाँ पे बोल रहे थे आपको लड़कियों की तमीज़ नहीं, मतलब इज्जत से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट सडनली जब वायरल एंट्री बन के शिवित खुद आते हैं तो वही सेम चीज़ शिवित करते हैं। तो ये जब हुई थी तब माइंड में आई नहीं सारी पुरानी चीज़ें, यार ये बनता उधर ये बोल रहा था और आप भैया के आई आई। मैंने उसको वहाँ भी बोला कि मतलब कोर्ट रूम में मैं वो एक डेढ़ घंटे चीज़ चली थी, उसके बाद मेरे को प्रेशर गया बहुत ज़्यादा क्योंकि पीछे से मेकर्स न्यू कि मुझे और चीज़ें पता हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा था बट वहाँ से प्रेशर किया और नहीं बोल पाए जो यहाँ बोलना नहीं नहीं बस है बहुत कुछ बट नहीं बोलूँगा मैं, आई एम डन वो शो में हुआ वो, मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा आग लगे क्योंकि शो एंड हो चुका है, थिंग्स गॉट ओवर, सब नॉर्मल हैं, सब अपनी लाइफ में खुश हैं और ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी अब क्रिएट करने का कोई पॉइंट नहीं है, अपने काम पर ध्यान दो आगे बढ़ो। एंड डेफिनेटली मुझे वो लगा उसने वो उस दिन वो उसने उसको निकाल दिया तो वो गुस्से में आगे सारी बातें बोल रहा था, लेकिन उस दिन उसे अगर वो इतना भाई भाई और ये सब करता है या लड़कों का करता है, लड़का लड़की इक्वल है, तो उस दिन उसे सचिन के लिए स्टैंड लेना चाहिए था और उस दिन बोल देनी चाहिए थी वो बात, ना कि जब तू एलिमिनेट होकर वापस आ रहा है उस बंदी को नीचा दिखाने के लिए वो सब बातें बोल रहा है। कहीं ना कहीं फिर अभी एकदम सबसे टफेस्ट पार्ट पे आते हैं, कशिश ने जब मनी चूज किया पैरों के नीचे से जमीन तो निकल गई होगी बट फाइनली मतलब उस स्पॉट पे क्या सारी चीज़ें दिमाग में घूमी होंगी कि पी आई का वो कॉल आना, फिर उसके बाद दिग्विजय का विराट कोहली से मिलना, वहाँ पे सपने बुनना कि यार मैं रोडीज जीतूंगा, रोडीज जीत पाए को गया वहाँ से वापस आके सोचना यार सब खत्म हो गया, तभी सिर्फ चला जाना वहाँ पे जीतने का समय ले, क्या कुछ माइंड में सारी चीज़ें आई बस एक मनी से बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहा था कि मैं अब क्या ही कर सकता हूँ, मतलब चैलेंज परफॉर्म किया होता, मैंने कुछ गलत किया होता, मैं हार जाता ठीक है ले लेता भाई दिग्विजय तुझसे गलती हुई है ना, बट उस टाइम कुछ नहीं समझ आया मुझे, मुझे जेन्युइनली कुछ नहीं समझ आया कि क्या चल रहा है और मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे साथ क्या हो चुका है। जशवंत आकृति ने यह कहा था कि कहीं ना कहीं दिग्विजय इस चीज़ का जिम्मेदार खुद है क्योंकि उसने पावर चूज की उन्नति को छोड़ के और इसकी वजह से और ये सब हुआ, और कशिश ने भी ये कहा था कि मेरा उनसे कोई डीवन से कनेक्शन था नहीं तो इसलिए मैंने अपने बारे में सोचा, तो इन दोनों का क्या है ये सोच के? अरे मैं पावर नहीं चूज करता, ये सारे स्प्लिट्स एंड अगेंस्ट थे, इन्हें पता था मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे पहले ही निकाल देते, मैं फिनाले तक पहुँच भी नहीं पाता अपने दम पे, तो वो आई फील मैं रिग्रेट नहीं करता वो डिसीजन, वरना मैं सेमीफिनाले ना खेल रहा होता, ना फिनाले खेल रहा होता और इतनी आगे गेम में ना बढ़ा होता, पहले ही मुझे लोग डेफिनेटली वोट आउट करके बाहर कर देते, तो दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड उन्नति की भी शायद हो सकता है जर्नी थोड़ा और पहले खत्म हो जाती अगर मैं पावर में नहीं होता, क्योंकि जब मैं पावर में बैठा हूँ तो मैं अगर हर बार सेव नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कम से कम उन लोगों से डील कर रहा हूँ कि भाई मैं तुम्हारा ये नहीं निकालूंगा, तुम उन्नति को मत निकालना बस, तो वो डील्स वगैरह वहाँ होती थी, इसलिए आई फील की उन्नति भी आगे तक गेम में गई और मैं भी फिनाले में खड़ा था, तो ये सब तो फालतू बातें हैं। सनी ने भी काफी कंसोल किया था। हाँ, इट वाज वेरी स्पेशल एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट, मतलब मजा आ गया था ऑनेस्टली। या यस सनी स्टैंड ले लिया और क्या ही चाहिए, दुनिया जीत ली। आज तक मतलब मैंने इतने रियलिटी शो देखे हैं ऐसा सीन मैंने तो नहीं देखा कि भाई सनी ने किसी के लिए किया हो, सनी मैम ने इतना किसी के लिए स्टैंड लिया हो। एंड पर्सनली मैं ही बात करूं, मैंने लास्ट सीन जब मैं बहुत खुश हुआ था तो वो बिग बॉस बोलो ये रोडीज का प्रिंस वाई वाला सीजन था, उसके बाद मैंने फाइनली अब किसी इंसान को ऐसा देखा है जिसके लिए मैं पर्सनली उनका फैन हूँ, तो बहुत अच्छी लगी आपकी जर्नी। फाइनली आपसे जाते थे कुछ एक मसाला जानना चाहूँगा कि बिग बॉस में आपका नाम आ रहा है साथ ही साथ आपकी, अरे ये मसाला तो मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ क्या? वो तो आप जानते हो आप आ रहे हो कि नहीं, एंड ये भी है कि कहीं ना कहीं आपको जिस सपना जिसने तोड़ा है वो भी आ रही है वहीं पे, कशिश का भी नाम है। मुझे उसका तो बिल्कुल ही नहीं पता और अपना भी नहीं पता कि भाई मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, क्योंकि ऐसी इन्फो मेरे पास नहीं है और आप जैसे लोग ही मुझे ये सब बता रहे हैं। अगर जा रहा है तो ऐसी क्या एक चीज़ है जो दिग्विजय रोडीज और पिक्चरा से लेके बिग बॉस में जाएगा जो वो ध्यान रखेगा? दिग्विजय दिल से खेलेगा, दिग्विजय जैसा है वैसा रहेगा, सिंपल एज दैट। एंड यही चीज़ मैंने करी है शुरू से और मेरे को लगता है इसी वजह से लोगों को इतना ज़्यादा प्यार मिला है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहता हूँ, जो मेरा दिल करता है मैं वो करता हूँ, सिंपल। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं, रियलिटी शो है, रियल बन के रहना है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि भाई ऐसे कुछ करना है, जैसे हैं वैसे, जो चीज़ गलत लगेगी गलत बोलेंगे, जो चीज़ सही लगेगी सही बोलेंगे, सिंपल। मैंने कहा आपके दिल के और स्माइल पे तो सब फिदाई हैं, काफ़ी अच्छा लगा दिग्विजय भाई आपसे बात करके, आपसे मिलके एक फैन मोमेंट हो गया मेरे लिए तो, एंड जो ऑडियंस देख रही है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बस यार ऐसे ही प्यार बनाए रखो एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों को निराश ना करूँ एंड काफ़ी और मेहनत कर रहा हूँ मैं अपनी चीज़ों पर, अपना कोर्स मैं निकाल दिया एंड और भी काफ़ी जगह आपको देखने को मिलूंगा एंड मज़ा बहुत आएगा, साथ बने रहना इस जर्नी में।
तो थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज दिग्विजय सिंह राठी, सबके दिल पे जो राज करने वाले राठी हैं वो राठी साहब के जवान हमारे साथ। ऐसे हमसे जुड़े रहिए ऐसे इंटरव्यूज देखने के लिए, कीप वॉचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। थैंक यू।